स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजा है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में क्या कार्रवाई की गई, इसका जवाब अब डीजीपी से मांगा गया है। तो बंगाल हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग अब एक्शन में है और राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजकर आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, नोटिस में यह लिखा गया है कि 31 मई दोपहर 12:30 बजे तक बंगाल के डीजीपी महिलाओं के खिलाफ हुए आपराधिक मामलों पर क्या कार्रवाई हुई है उसके पूरे ब्यौरे के साथ महिला आयोग के सामने पेश हो, यह नोटिस में कहा गया है। साफ तौर पर कितनी एफआईआर दर्ज की गई, क्या एक्शन लिया गया, ये पूरी रिपोर्ट अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी से मांगी है। 31 मई तक उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग को ये रिपोर्ट देनी होगी। तो बंगाल में जो हिंसा लगातार जारी है, महिलाओं के साथ बलात्कार और अभद्रता की खबरें लगातार सामने आई, किस तरीके से महिलाओं के साथ बंगाल में दुर्व्यवहार किया गया, इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। ये लगातार आगजनी, लूटपाट और गैंगरेप की घटनाएं सामने आई, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया था और 2 दिन का दौरा भी पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में किया गया था, जहां पीड़ित परिवार से, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की थी। और उसके बाद बंगाल के डीजीपी को ये आदेश दिए गए थे कि दरअसल इन आपराधिक मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर उन अपराधियों पर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब जो नोटिस महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भेजा है, उसमें ना सिर्फ ये रिपोर्ट मांगी गई है, बल्कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरीके से इस हिंसा के मद्देनजर असहयोगात्मक नजर आया है। बार बार ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद भी कोई जवाब बंगाल की पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग को नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जांच कमेटी के साथ भी पुलिस महानिदेशक ने कोई मुलाकात नहीं की। तो किस तरीके से लगातार बंगाल की पुलिस का रवैया सामने आ रहा है, वो लगातार राज्यपाल भी उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन तमाम जो आयोग है जो पश्चिम बंगाल हिंसा के मद्देनजर जांच के लिए बंगाल पहुंच रहे हैं लगातार, वो भी ये कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस का सहयोग इस हिंसा में जांच में उन्हें नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें, महिला आयोग से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दलित आयोग बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचा और वहां हिंसा पर रिपोर्ट तैयार की गई है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से भी खुद इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पीड़ितों को इंसाफ मिले, महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है उन्हें इंसाफ मिले, इसकी मांग करते हुए अब बंगाल के डीजीपी को यह नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या कार्रवाई उन्होंने की है। और नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जिला स्तर पर महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उस पर कितनी एफआईआर दायर की गई है, इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। 31 मई तक ये रिपोर्ट देनी है। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव जारी है और उस पर लगातार बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और पुलिस प्रशासन घिरता ही नजर आया है, क्योंकि इस बात का जिक्र भी राज्यपाल भी कर चुके हैं कि दरअसल जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, अगर वो पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाती हैं तो वहां से उन्हें मुजरिम के तौर पर ही लौटना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से टीएमसी के अपराधियों को संरक्षण देने का काम वहां बंगाल की पुलिस कर रही है। तो यह बड़ा आरोप लगातार बंगाल पुलिस प्रशासन पर लग रहा है कि दरअसल सत्ता की कैद में इस वक्त बंगाल की पुलिस है जो पूरी हिंसा को अनदेखा कर रही है, जो तमाम टीएमसी के गुंडों को बचाती नजर आ रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने जब पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था और कहीं ना कहीं पीड़ित महिलाओं का
के हालातों का जायजा वो लेने पहुंची थी कि आखिर उनके साथ किस तरीके से घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ टीएमसी के गुंडों ने हिंसा को अंजाम दिया उसके बाद। और उनकी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये खुलासा किया गया था कि दरअसल जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और पुलिस का जो असहयोगात्मक रवैया देखने को मिल रहा है उसके कारण अब जो महिलाएं हैं वो लगातार पलायन कर रही हैं, जो उनकी बच्चियां हैं उन्हें दरअसल राज्य से बाहर भेजा जा रहा है क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां जो हैं वो टीएमसी के गुंडों की तरफ से मिल रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि उन्होंने जब वहां हालातों का जायजा लिया तो उन्होंने ये देखा कि महिलाओं को बलात्कार की धमकियां लगातार मिल रही हैं और वे अपनी बच्चियों को राज्य से बाहर भेजना चाहती हैं क्योंकि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। और उन्होंने साथ ही अपने बयान में यह भी कहा था कि पीड़िता जो है वो डर की वजह से शिकायत भी नहीं कर पा रही है। तो ये आलम है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ किस तरीके से लगातार गुंडागर्दी, अभद्रता और गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके से टीएमसी के गुंडे महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब महिला आयोग बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन में है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो याचिकाएं बंगाल हिंसा को लेकर दायर की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से ही निर्देश दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित हुआ है तो वो अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साथ ही दलित आयोग में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। और साथ ही ये भी कहा गया था कि ये आयोग उन तत्काल शिकायतों को डीजीपी के पास पहुंचेंगे और डीजीपी उस पर संज्ञान लेंगे। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जब याचिकाओं पर सुनवाई की थी उस दौरान अपना निर्देश जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल पुलिस की इस तरीके की लापरवाही लगातार बंगाल हिंसा में देखने को मिल रही है, जहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ की गुहार राज्यपाल के कदमों में पड़कर किस तरीके से लगाई गई इसकी तस्वीरें भी हमने देखी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर वो पुलिस थाने में अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो वहां भी उन पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही हो रहा है, उनकी शिकायतों को नहीं सुनाया जा रहा है और टीएमसी के गुंडों को लगातार संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। तो ये आरोप लगातार टीएमसी सरकार पर पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार से लेकर दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई, सोशल मीडिया के जरिए हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी जहां महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए टीएमसी के गुंडे नजर आए हैं और लगातार मांग ये उठ रही है कि महिला आयोग इस पर एक्शन ले। महिलाओं के साथ आखिर ये अत्याचार कैसे पश्चिम बंगाल में हो सकता है? एक महिला मुख्यमंत्री वहां है लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से महिला को लेकर अब सुरक्षा पर उनकी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से बंगाल पुलिस भी अब उन्हें सुरक्षा देती नजर नहीं आ रही है और साफ तौर पर महिला आयोग ने यह बड़ा आरोप बंगाल पुलिस पर लगाया है कि उन्होंने तमाम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश बंगाल हिंसा पर पश्चिम बंगाल पुलिस की है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह सत्ता का संरक्षण ही है जो इस तरीके से लगातार पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्हें बंगाल में इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जहां राजनीतिक बवाल जारी है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन वहीं पीड़ित परिवारों को इंसाफ किस तरीके से मिल पाए, महिलाओं के साथ न्याय हो, अब इसकी मांग लगातार तेज हो रही है और यही वजह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अब एक्शन में आए हैं और डीजीपी को नोटिस भेजकर 31 मई तक जवाब मांगा है। महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और दुर्व्यवहार अभद्रता पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका जवाब अब बंगाल पुलिस को देना होगा। जाहिर तौर पर
कोलकाता हाई कोर्ट के भी ये निर्देश है, तो ऐसे में क्या कुछ जवाब आने वाले वक्त में मिलता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लोगों की लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बंगाल हिंसा को लेकर सामने आ रही है, जहां साफ तौर पर ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो लगातार रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम पश्चिम बंगाल में कर रही है, उससे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा ही है। और यहां तक कि जिस तरीके से महिला आयोग को वहां रिपोर्ट तैयार करने से भी ममता बनर्जी ने रोका, उसको लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल सीबीआई ने जब चार नेताओं को अरेस्ट किया और तमाम जो जमावड़ा था टीएमसी कार्यकर्ताओं का वो सीबीआई दफ्तर के बाहर देखा गया, तब कोरोना नहीं फैला। लेकिन अगर कोई आयोग जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंच रहा है तो लगातार कोरोना का बहाना देकर कहीं ना कहीं हिंसा को जो छिपाया जा सके उसकी कोशिशें ममता बनर्जी कर रही हैं। इसी कड़ी में अब लगातार तमाम आयोग जो रिपोर्ट तैयार बंगाल हिंसा को लेकर कर रहे हैं, अब उन्हें दबाने की कोशिश ममता बनर्जी सरकार कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है कि जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं उसमें इन तमाम आयोग की जो रिपोर्ट है जो बंगाल हिंसा को लेकर तैयार की गई है वो महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग का यह फैसला, डीजीपी आखिर क्या कुछ रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर देंगे, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।